हे दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर आपका इस खास शो में। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इनकम टैक्स के बारे में बहुत कुछ जाना था, कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखे थे। आज की क्लास में भी मैं नॉर्मल कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ और उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे अपन एक नया चैप्टर चालू करने वाले हैं अगली क्लास में, राइट एवरीबडी। और होप सो इससे पहले के दो वीडियो आपने बहुत अच्छे से देख लिए हैं, आपने अपने दोस्तों को शेयर कर दिया है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा वो भी फायदा उठा सके, राइट दोस्तों। तो आज की क्लास में मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें समझाने वाला हूँ और लास्ट क्लास में जो जो एक बार पढ़ा था उसको हम लोग गो थ्रू करेंगे। और आपको पता है मैं रिविजन पे थोड़ा ज्यादा भरोसा करता हूँ, राइट एवरीबडी, क्लियर। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था बच्चों कि इनकम टैक्स के बारे में क्या है। दोस्तों, इनकम टैक्स में सबसे पहला पॉइंट, सर आप रिवीजन क्यों करवाते हो? दोस्तों, मेरा भरोसा रिवीजन है, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूं कि अगर हम 2 या 3 मिनट अगर रिवीजन कर लेते हैं तो हम पिछली क्लास में क्या पढ़ा था उसके बेसिस पे भी हम जान पाएंगे और आज की क्लास में जो पढ़ेंगे उसको हम दोनों को ट्रैक पे लेके आ पाएंगे, राइट एवरीबडी, क्लियर। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज द टैक्स। मैंने आपको क्या बोला था, टैक्स का मतलब होता है जो लोग पेमेंट करते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट डायरेक्टली हमें कुछ नहीं देती, इनडायरेक्टली हमें बहुत सारे फायदे देती है। मैंने नॉर्मल लैंग्वेज में बताया, मैं डीपली नहीं गया हूं और अभी आपको डीपली नहीं जाना है बच्चों। उसके बाद हम लोगों ने उसके बाद आपने हमें क्या बताया था बच्चों, मैंने आपको बोला था स्क्रीन पे कितने प्रकार के टैक्स नजर आ रहे हैं आपको, 2 प्रकार के टैक्स, एक आपका आता है डायरेक्ट टैक्स, एक आता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो आप अपनी पॉकेट से सरकार को देते हो, इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो दूसरों से लेके सरकार को आप पेमेंट करते हो, या मतलब उसको पेमेंट चुकाते हो, राइट। तो दो, देयर आर 2 टाइप ऑफ टैक्स, नंबर 1 इज डायरेक्ट टैक्स, नंबर 2 इनडायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स में इंसिडेंस ऑफ टैक्स और इंपैक्ट ऑफ टैक्स दोनों सेम होता है, लेकिन इनडायरेक्ट में मैंने लास्ट क्लास में क्या बोला था कि इंसिडेंस ऑफ टैक्स और इंपैक्ट ऑफ टैक्स अलग अलग होता है। सर हमारा एक क्वेश्चन है, सर ये नोट्स कहां पे मिलेंगे? दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक दे रखा है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो आप। और इससे पहले के 2 वीडियो जो है उसके लिंक भी मैं आपको इसी में, इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। और तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप डायरेक्टली ये सीधा वीडियो देख रहे हो तो आपको समझ में नहीं आएगा, पहले आपको वो दोनों वीडियो देखने पड़ेंगे तब आपको ये समझ में आएगा। उसके बाद दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था सर, उसके बाद ये तो आपने हमें पढ़ा दिया था, मैंने बोला बहुत बढ़िया। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि दोस्तों, एक बंदा हर दिन कुछ कमाएगा, सरकार को देना पड़ेगा। तो मैंने आपको बहुत सरल शब्दों में बोला था कि भाई हर आदमी ऐसे कमाएगा, बार बार टैक्स देने जाएगा, तब तो भाई भीड़ बहुत दुनिया भर की हो जाएगी। ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए क्या रूल बनाया, सरकार बोलती है 1 साल में जो कमाना है कमा लो, हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। कॉमन लेमन लैंग्वेज में बोल रहा हूं, डीपली और टेक्निकल वर्ड में मत चले जाना, राइट। और 1 साल के बाद हम आपसे ये ब्योरा मांगेंगे कि आपने हमसे, आपने कितना पैसा कमाया। अगर आप हमारे बताए गए रुपए के से कम कमाया पैसा तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर हमारे बताए गए लिमिट से ज्यादा पैसा कमा लिया तो आप हमारे मेहमान बन गए और आपको देना पड़ेगा टैक्स, एग्री। और जिस साल के बारे में चर्चा करते हो उस साल को बोला जाता है प्रीवियस ईयर, और जिस साल में ये चर्चा करते हो उसे बोला जाता है एसेसमेंट ईयर। आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो बच्चों, आपका क्या चल रहा है, 31 मार्च 20 तक आपका क्या चल रहा है, प्रीवियस ईयर, और उसके बाद आपका कौन सा साल चालू हो जाता है, असेसमेंट ईयर, राइट। तो अगर कोई इंसान आपसे पूछे इस साल के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 19, 20 और 20, 21, होप सो बहुत अच्छे से समझ में आ गया। फिर मैंने लास्ट, सर ये हमें याद ही हो गए, लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था कि दोस्तों, कोई भी इंसान इनकम टैक्स से नहीं बच सकता, भारत हमारा कृषि प्रधान देश है, तो कृषि पे क्या नहीं लगता, टैक्स नहीं लगता, नॉर्मल। अब एक बात बताओ, 5 कोई बंदा बोलता है सर मैं तो जॉब करता हूं इनकम फ्रॉम सैलरी, होप सो लास्ट क्लास वाली बातें याद है। नंबर 2, एक बंदा बोलता है मैं तो किराए पे घर देता हूं, वहां से कमाता हूं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी।
एक बंदा बोलता है मैं तो बिजनेस करता हूँ, एक बंदा बोलता है मैं तो प्रोफेशनल हूँ, मैं तो प्रोफेशनल बिजनेस करता हूँ, मतलब सर्विस देता हूँ। तो इसका मतलब ये हो गया कि तू भाई इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में आ गया। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि सर एक बात बताओ, एक बंदा है जो शेयर मार्केट का काम करता है, जो प्रॉपर्टी को लेना खरीदना बेचना करता है, मतलब इन्वेस्टमेंट के तौर पे, तो सर उसको किस कैटेगरी में रखोगे? तो मैंने आपको बोला था वो आपका रहेगा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। उसके बाद मैंने बोला था जो बाकी बच गए, सर मेरे को गिफ्ट मिला, सर मुझे इंटरेस्ट मिला, सर मैं लॉटरी से जीत के आया, सर मैं हॉर्स रेस से जीत के आया, सर मैं केबीसी से जीत के आया, सर मैं इंडियन आइडल से जीत के आया, सर मैं लिटिचियम से जीत के आया, सर क्या मतलब सारे लोग आ जाएंगे? हाँ भाई हाँ, यहाँ पे वो सारे लोग आ जाएंगे जो चार हेड में नहीं आते। तो इसका मतलब ये हो गया आज की जिंदगी में पांच प्रकार के हेड होंगे। नंबर एक इनकम फ्रॉम हाउस सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। प्यार से बोलो राधे राधे। दोस्तों कितना प्यार से हम लोग पांच हेड कंप्लीट कर चुके। आज के टाइम पे अगर कोई इंसान आपको बोले कि टैक्स कितने प्रकार के होते हैं आप बता सकते हो, इनकम टैक्स में कितने हेड है आप बता सकते हो, लेकिन बच्चों आपको पता है मेरे कॉन्सेप्ट अभी इतने जल्दी खत्म नहीं होंगे, मैं आपको अभी तक कुछ और भी बताऊंगा और उसको भी आपको अच्छे से करना पड़ेगा। सर सर ऐसा क्या करवाने वाले हो आप? सर सर ध्यान से देखना बच्चों, मैं आपको ये बता चुका, ये सारा बता चुका, एक बार चेक करते हैं। राइट, कोई दिक्कत नहीं है सर, ये हमारा हो गया, ये भी हमारा हो गया, ये भी मैंने लास्ट क्लास में करवा दिया था। आज के केस में हम लोग पढ़ेंगे कि यार एससीसी क्या होता है। ओ माय गॉड, आपको पता है मैं इतना अच्छे से बिल्डअप करूंगा कि जब क्वेश्चन करेंगे ना तो छोटे छोटे दिमाग में जो डाउट आते हैं ना वो डाउट मैं आने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है। तो सर आप क्या बोलना चाहते हो, ये क्या हमें पढ़ना जरूरी है क्या, या डायरेक्टली जब आप हमें पहला चैप्टर पढ़ोगे तो हम डायरेक्टली उसमें कूद पड़ेंगे? ऐसा नहीं होगा बच्चों, पहले आपको ये चीजें पढ़नी पड़ेगी। जब तक ये चीजें समझ में नहीं आएगी तब तक आपको छोटे छोटे टर्म समझ में नहीं आएंगे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे, और फिर आपका सवाल तो फिर रेटाफिकेशन हो जाती है और अपना टारगेट रेटाफिकेशन है ही नहीं। तो दोस्तों सुनो मेरी बात, आज की क्लास का कॉन्सेप्ट लास्ट है। एससीसी का मतलब क्या होता है ध्यान से सुनना। आपने कभी देखा होगा कि एससीसी सुनते हैं टैक्स में, चाहे डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स। अब मैं इनडायरेक्ट टैक्स को भूल रहा हूं और मैं क्या पढ़ने जा रहा हूं, डायरेक्ट टैक्स। दोस्तों एससीसी का मतलब होता है एक पर्सन, ध्यान से सुनना आज की क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, कि कोई भी पर्सन जिस पे जिसको बाई वो एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। मतलब अगर कोई भी बंदा जिसको टैक्स पे करना है या कोई भी अमाउंट पे करनी है इनकम टैक्स एक्ट के तहत। अब बात आती है सर इनकम टैक्स एक्ट क्या है? दोस्तों हर एक लॉ के पीछे एक्ट बना हुआ होता है और वो एक्ट के साथ ही काम करता है। एक्ट में सारे रूल रेगुलेशन लिखे हुए होते हैं, सारे सारे काम लिखे हुए होते हैं कि किस तरीके से टैक्स लगेगा, क्या है, किस तरीके से अपन टैक्स भरेंगे, किस तरीके से बिजनेस में टैक्स लगेगा, सैलरी में कैसे लगेगा, वो सारी बातें लिखी हुई होती है। तो दोस्तों इतना आपको डीपली जाना नहीं है, लेकिन इतना सा याद रख लो इनकम टैक्स का अपना खुद का एक एक्ट बना हुआ है, जो एक्ट है 1961। इनकम टैक्स ये बोलता है कि मेरे को जो बंदा पे कर रहा है टैक्स के रूप में या किसी भी रूप में, वो मेरी नजरों में एसएससी है। जान सकते हो भाई, अभी तो मजा आएगा देखते जाओ आज की क्लास में। मैंने क्या बोला, कोई भी पर्सन जो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कोई भी टैक्स पे कर रहा है या कोई अदर अमाउंट पे कर रहा है, जैसे पेनल्टी वगैरह हो गया तो अदर अमाउंट पे कर रहा है, वो भी बताओ कौन माना जाएगा, क्या माना जाएगा, एसएससी माना जाएगा। तो एसएससी क्या होता है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है शॉर्ट नोट के बेसिस पे कि एसएससी का मतलब क्या होता है। आप क्या बोलोगे, एसएससी वो पर्सन होता है जो टैक्स पे करेगा या एनी अदर सम पेबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। एग्री सर, कोई दिक्कत नहीं।
कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर हमें प्रॉब्लम है। सर ये आपने हमें बोला कि पर्सन, आपने हमें सर बोला पर्सन, कोई भी पर्सन, अब इस पर्सन से क्या समझते हो? ओह माय गॉड, आपका जो क्वेश्चन, अल्टीमेट क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। आपने मेरे को बोला कि सर एसएससी का मतलब ये होता है कि कोई भी पर्सन जिसको टैक्स पे करना है या कोई एनी अदर सम पेबल है, किसके अंडर? इनकम टैक्स एक्ट के अंदर पेबल है तो वो एसएससी माना जाएगा। लेकिन सर आपने हमें बोला कोई भी पर्सन, अब बात आती है पर्सन का मतलब क्या है, पर्सन से आप क्या समझते हो? तो दोस्तों इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सन का मतलब क्या होता है, ये हमारी क्लास का आज का मुद्दा है। तो आज की क्लास में सबसे पहले आपने एसएससी का मतलब समझा, आंख बंद करो एक बार मेरे को बताओ एसएससी कौन होता है? सर सर एसएससी कौन होता है? एसएससी वो इंसान होता है, वो पर्सन होता है, वर्ड को कैच करो, वो पर्सन होता है जो टैक्स पे, जिसके द्वारा टैक्स पेबल है या एनी अदर सम पेबल है अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। एग्री? अब पर्सन के बारे में समझते हैं। आज की क्लास में वादा है मेरा पर्सन के बारे में जानोगे। सर पर्सन कौन होते हैं? 8 प्रकार के लोग आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात अच्छे से। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम में 4 नंबर का शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय पर्सन? अब सुनो, पर्सन का मतलब इतने लोग टैक्स देते हैं। अरे भाई इतने लोग मतलब सुनो, पहले तो मैंने आपको यह बताया कोई भी इंसान टैक्स से नहीं बच सकता। अब वो इंसान किसी भी रूप में हो सकता है, कोई भी बंदा, कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म टैक्स देने से नहीं बच सकती है। इसीलिए इनकम टैक्स ने बोला कि वो इंसान कौन होगा, हमने 8 कैटेगरी में बांट दिया, कोई भी बंदा हो इस 8 कैटेगरी में तो आ ही जाएगा। चलो भाई चेक इट आउट, कम ऑन। नंबर 1 क्या दे रखा है? इंडिविजुअल, मतलब पर्सन में सबसे पहले कौन आता है? इंडिविजुअल। जैसे राम, गीता, बबीता, ये जितने भी लोग हैं ये इंडिविजुअल है। शाहरुख खान, विराट कोहली, ये सारे क्या है? इंडिविजुअल। मतलब अगर ये बंदे कुछ कमाते हैं तो वो लोग क्या देंगे? टैक्स देंगे, मतलब वो पर्सन है। मतलब अभी देखना ध्यान से, अभी एक चीज बताता हूं, अभी इन्होंने क्या बोला कि कोई भी पर्सन, अब पर्सन में सबसे पहला कौन आ सकता है? हो सकता है वो विराट कोहली हो सकता है शाहरुख खान हो सकता है गीता हो सकता है बबीता हो सकता है राहुल हो सकता है राम हो, मतलब इंडिविजुअल हो सकता है। इट मींस इंडिविजुअल इज आल्सो पर्सन। सर एक बात बताओ, कोई जरूरी है इंडिविजुअली पैसा कमाता है? सर इसके अलावा क्या हो सकता है बच्चों? देखो स्क्रीन पे क्या है, HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। आपने दोस्तों ज्वाइंट फैमिली देखी होगी जिसमें दादाजी की चलती होती है और बहुत बड़ा परिवार होता है, तो HUF किसी का बिजनेस बहुत साथ में होता है, मतलब ज्वाइंट फैमिली का बिजनेस होता है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर वो कमाते हैं तो उसमें कर्ता धर्ता एक जना होता है जिसे बोलते हैं कर्ता। तो ये क्या बोलता है कि अगर आप एक इंडिविजुअल नहीं हो, अगर आप एक HUF हो, HUF का मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, तो आप अगर आप कुछ कमाते हो, और कमाई कैसे हो सकती है? वो 5 हेड से है। विराट कोहली तो 5 हेड से कुछ भी कमाता है ना, टैक्स देना पड़ेगा। वो कौन से 5 हेड? अरे बोलो कौन से 5 हेड? 500 हेड मैंने बता रखे हैं लास्ट क्लास में। हे गीता, हे बबीता, हे विराट कोहली, ये सचिन तेंदुलकर, हे शाहरुख, अगर आप उन 500 हेड में कुछ भी कमाते हो ना, तो आप पर्सन की कैटेगरी में आ गए, और पर्सन हो और तो आप एसएससी बन जाओगे और एसएससी टैक्स देगा, राइट? कोई दिक्कत था? कोई दिक्कत नहीं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी पर्सन होती है। सर सर एक बात बताओ, हमने तो कंपनी खोल रखी है सर, रिलायंस सर, TCS सर, इंफोसिस सर, विप्रो, ये तो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, क्या सर उनको भी टैक्स देना पड़ता है? हाँ भाई हाँ, कोई भी कंपनी हो अगर वो कमा रही है तो सरकार बोलती है भाई साहब आप भी टैक्स के लपेटे में आ जाओगे। सर सर मान लो हम लोगों ने आपको क्या पता, सर हम लोगों ने 12th क्लास में
कंपनी अकाउंट्स भी पढ़ी है। मैंने बोला अच्छा, आपने बोला सर हमारे 12th क्लास में पार्टनरशिप फर्म भी होती थी। सर सर चार जने मिलके एक काम करते थे और जो प्रॉफिट आता था उसको बांट लेते थे, वही पार्टनरशिप फर्म होती थी। मैंने बोला बच्चों एकदम राइट, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अगर कोई पार्टनर चार पांच दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलके कुछ बिजनेस करते हैं और प्रॉफिट बांट लेते हैं तो फर्म को जो प्रॉफिट होता है, ये चार बंदे मिलके कुछ बिजनेस करते हैं उनको क्या बोला जाता है, पार्टनरशिप फर्म बना लेते हैं। तो फर्म के बारे में आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। एक पार्टनरशिप फर्म अगर होती है वो भी पर्सन है, अगर वो भी कमाती है टैक्स देना पड़ेगा। सर इंडिविजुअल पांचों हेड में कहीं से भी कमा सकता है, एचयूएल पांचों हेड में कहीं से भी कमा सकता है, कंपनी पांचों हेड में से कहीं कमा सकती है, फर्म पांचों हेड में कहीं कमा सकती है। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ओ माय गॉड सर सर इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालो। मैंने बोला अभी डालेंगे प्रकाश। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे राम है और एक श्याम है, दोनों ने मिलके बोला कि यार पटाखों की दुकान लगाते हैं दिवाली पे और जो भी प्रॉफिट होगा बांट लेंगे। तो राम भी बताओ क्या है सर, राम भी इंडिविजुअल है और श्याम भी इंडिविजुअल है, तो दोनों ने मिलके कुछ कमाया, एक पर्टिकुलर बिजनेस किया और बिजनेस खत्म कर दिया, तो इनको बोला जाता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ध्यान से सुनना बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आज के टाइम पे 8 नंबर तक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको बहुत सारे नाम दे देंगे और आपसे पूछा जाएगा कि ये बताओ कौन से पर्सन है, कौन सी कैटेगरी में फॉल हो रहे हैं। तो सबसे पहले बताओ अगर दो इंडिविजुअल मिलके कोई स्पेसिफिक पर्पज के लिए काम करते हैं तो उनको बोला जाता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। क्या बात है सर। सर सर एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या होता है, सर एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या होता है बच्चों, एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है कि पर्सन एक या एक से ज्यादा पर्सन मिलके, देखो मैं आपको बताता हूं ध्यान से सुनना, अभी अपन समझेंगे चीजों को, एक सेकेंड ओके मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा राइट। एक सेकेंड रुकना भाई, देखो एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात दोस्तों सुनना, राम और श्याम मिलके काम करते हैं तो राम भी इंडिविजुअल श्याम भी इंडिविजुअल, तो ये बन गया बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। एग्री कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ, राम ने रिलायंस कंपनी के साथ मिलके कुछ काम किया, अब रिलायंस क्या है सर, रिलायंस एक कंपनी है और राम क्या है इंडिविजुअल है, तो इंडिविजुअल और रिलायंस कंपनी मिलके कुछ काम करती है तो दो इंडिविजुअल इंडिविजुअल आदमी नहीं मिले हैं, एक इंडिविजुअल है और एक कोई दूसरी कैटेगरी का इंसान है, तो इसे अपन बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन। होप सो इन दोनों में मीनिंग समझ में आ गया दोस्तों। दो इंडिविजुअल मिलके अगर कुछ काम कर रहे हैं तो वो होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लेकिन अगर एक इंडिविजुअल है या एक कोई दूसरा है, हो सकता है फॉर्म हो सकता है एचयूएफ हो सकता है पार्टनरशिप फॉर्म हो सकता है कंपनी हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम बॉडी ऑफ इंडिविजुअल नहीं बोल सकते, हम बोलेंगे पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। होप सो ये दोनों बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है बच्चों। सर क्या बात करते हो, हमें समझ में आ गया। तो बताओ अभी मैंने क्या क्या बोला सर। सर आपने सबसे पहले बोला इंडिविजुअल, बताओ इंडिविजुअल में बच्चों कौन आता है, राम श्याम गीता बबीता राहुल सब आ जाते हैं। एचयूएफ का मतलब जॉइंट परिवार होता है, एक ही इंसान करता धरता होता है। कंपनी का मतलब आपको बताने की जरूरत नहीं है, पार्टनरशिप फॉर्म जरूरत नहीं है। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कौन होता है कि एक या एक एक से ज्यादा आदमी मिलके इंडिविजुअल मिलके कुछ काम है। सर एक बात बताओ, राम और गीता ऐसा हो सकता है कि इंडिविजुअल हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और इंडिविजुअल के साथ कोई और मिल जाता है तो वो बताओ क्या हो जाता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। उसके बाद आर्टिफिशियल ऑफ पर्सन मतलब ये बोलते हैं, जैसे एक बात बताओ, ये वो होते हैं जिनका एक्चुअल में कोई अस्तित्व नहीं है लेकिन बाय लॉ ये चीजें बन जाती है, जैसे गॉड,
एक्चुअल में आप ऐसा नहीं है, उनको चलाने वाला कोई और होता है। जैसे एक मंदिर है, मंदिर को बताओ चलाने वाला कौन होता है? क्या भगवान चला रहे हैं या वहां पे कोई ट्रस्ट बना हुआ है, ट्रस्ट हो गया, या आर्टिफिशियल ऑपरेशन में इसमें क्या होता है, इनमें कोई मतलब इनमें इंटेंजिबल चीजें होती है। यहाँ पे आर्टिफिशियल ऑपरेशन का मतलब इनका एग्जिस्टेंस ऐसे नहीं होता जैसे बाकी चीजों का होता है, लेकिन लेकिन ये अपना सेपरेट एंटिटी होते हैं, इसीलिए इनको आर्टिफिशियल ऑपरेशन में शामिल किया गया है। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है, जो मतलब दिखते नहीं है, जिसको महसूस कर सकते हैं, तो उनको यहां पे कैटेगरी में डाल दिया गया है। क्लियर? लास्ट आपका आता है दोस्तों लोकल अथॉरिटी। सर लोकल अथॉरिटी क्या होता है? लोकल अथॉरिटी में आपने कभी देखा होगा पंचायत समिति, नगर पालिका, म्यूनिसिपैलिटी, ये लोग भी तो काम करते ही हैं, ये भी अगर कुछ कमा लेते हैं तो क्या उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा? सर कोर्ट है, सर नगर पालिका है, सर पंचायत समिति है, जिनका कंट्रोल और मैनेजमेंट कौन करता है? गवर्नमेंट। तो क्या वो भी कमा नहीं सकते? सर कमा सकते हैं। तो मैंने अभी क्या बोला, कोई भी इंसान बच ही नहीं सकता, तो अगर कमा रहे हो तो सरकार को क्या देना पड़ेगा? टैक्स। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। तो बच्चों मेरे साथ बोलो भाई साहब, पर्सन कितने प्रकार के हो सकते हैं? सर कमाने वाले इंसान 8 प्रकार के हो सकते हैं। नंबर 1 वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, नंबर 2 वो HUF हो सकता है, नंबर 3 सर वो कंपनी भी हो सकती है, सर वो पार्टनरशिप फर्म भी हो सकता है, सर वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी हो सकता है, सर वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी हो सकता है, सर वो आर्टिफिशियल ऑफ पर्सन भी हो सकता है, सर वो लोकल अथॉरिटी भी हो सकता है। रटना कभी भी नहीं है। अगली क्लास में मैं इसके एग्जांपल लूंगा और आप मेरे को बताओगे ये कौन सी कैटेगरी में फॉल हो रहा है। तो होप सो बच्चों आज की क्लास में आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इतना भयानक कोई पॉइंट नहीं था, मैंने बस इतना सा बताया था एसएससी कौन होता है। अब ध्यान से सुनना, एसएससी वो होता है, वो पर्सन मतलब 8 प्रकार के पर्सन, ध्यान से सुनना। अब देखो एक चीज बताता हूं, ध्यान से सुनना, अब सुनना, अब चीज पढ़ाऊंगा, सुना। यहां पे क्या है बच्चों, यहां पे है कि कोई भी पर्सन, ए पर्सन, अब इस पर्सन में कितने पर्सन शामिल हो सकते हैं? 8 प्रकार के पर्सन, जिनको टैक्स देना है या कोई अदर सम पेबल है अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, वो सारे लोग एसएससी है। इसका मतलब, एसएससी का मतलब वो 8 लोग जो कैटेगरी में फॉल करते हैं। होप सो ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अगर ये आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।